सशक्त भारत साथ आए देश बनाए के नारे के साथ बीजेपी का देशव्यापी हाईटेक सदस्यता अभियान पंजाब में भी शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जलंधर के रेडक्रॉस भवन में इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही पार्टी ने पंजाब में अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की सदस्यता के नवीनीकरण का काम भी आरंभ कर दिया। बीजेपी के सदस्यता अभियान को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब शहीद सुखदेव के नाती विशाल नैयर और अन्य पारिवारिक सदस्य कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल की भतीजी रोजी भट्टल, पूर्व डीजीपी समर विजय सिंह सहित कई प्रमुख लोगों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और कमल शर्मा ने इन सभी को सिरोपे पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। टोल फ्री नंबर देके उन्होंने मेंबरशिप डाल और कल रात लगभग 60 मेंबरशिप जारी है उस टोल फ्री नंबर पे हो गई। 3 दिन पहले का जो फिगर है वो विनोद जी ने तुम्हें दसी है 1,28,600 कुछ मेंबरशिप जारी है और पंजाब को भी टोल फ्री जो पिछले 3 दिन उन्होंने कुछ साढ़े साथी जुड़े होंगे। आज फॉर्मल आगाज जड़ा है पंजाब की मुहिम का साढ़े मानयोग नेता जी करन जा रहे। मेरी बेनती तुहानू वर्कर्स नूं कोई कि अज बाहां खिलार के असी उन सारे अपने भैन भरावां नूं अपने चाले जिहड़े साढ़े नाल जुड़ना चाहते। पंजाब का कोई भी वर्ग, कोई भी जात, कोई भी पंथ, कोई भी समाज, कोई भी खिता, कोई भी हिस्सा, कोई भी पिंड, कोई भी कस्बा अजिहा रहे ना जिथे साड़ी पहुंच हो जिथे असी अपनी पार्टी की मेंबरशिप वास्ते जाइए। इसीलिए आह्वान किया, साथ आए देश बनाए। देश को बनाने के लिए हम उसको साथ आना एक आह्वान है और इस आह्वान के साथ इस मेंबरशिप को हम आगे बढ़ा। मित्रों, क्योंकि ये महाअभियान है, एक पर्व है, इसको विशेष तरीके से मनाने का भी तय किया। हमारा जो पारंपरिक तरीका था कॉपी लेकर के सदस्यता करते थे वो इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। 18 करोड़ से ज्यादा हमारे को समर्थन मिला है, 18 करोड़ से ज्यादा। आज हमारी मेंबरशिप 3.25 करोड़ और 3.5 करोड़ के आसपास। हम इसको ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक, देश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का हमारा इसलिए ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करना। इतने लोगों ने हमको समर्थन दिया है, उनको हम साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसके प्रोसेस को ऑनलाइन मेंबरशिप से जोड़ा है। हमने टेक्निकल सपोर्ट से कोशिश की है कि हम इसको लॉजिस्टिक एंड्स तक ले जाएं। ये सबको कॉपी से मेंबरशिप बनाना, एक एक व्यक्ति को मेंबर बनाने में मिनिमम 5 मिनट्स लगते हैं। इफ यू वांट टू ब्रेक ऑल रिकॉर्ड्स इट कैनॉट बी डन बाय ओनली यूजिंग द मेंबरशिप कॉपी। इसलिए लॉजिस्टिक एंड्स तक ले जाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट हमने, ये ऑनलाइन मेंबरशिप ऐसी है जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन के साथ ट्रांसपेरेंट किया है और ट्रांसपेरेंट के साथ साथ इसको एक डेमोक्रेटिक किया। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू मेंबर, आई कांट डू दैट। इफ यू वॉन्ट टू बिकम द मेंबर जस्ट प्रेस द बटन एंड यू बिकम द मेंबर। सर देखो, जो नरेंद्र मोदी जी जी सोच है शहीदा बारे वो बहुत चंगी सोच है, क्योंकि अज तक कांग्रेस सरकार ने किसी ने भी सानू पुछया नहीं। जो अज बीजेपी के बंदे ने सानू इत्थे बुला के किशन लाल जी ने पहल की, साढ़े घर आए, सानू मोटिवेट किया बीजेपी वास्ते। और मैं बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी का शुरू तो फैन है, क्योंकि अज तक किसी भी वर्कर ने FM रेडियो के उत्ते कभी अपना विचार नहीं रखे, कभी शहीदा बारे कोई कुछ नहीं विचार रखिया। पर अज जो सानू इत्थे बुला के जो मान इज्जत दिता है वो किसी भी सरकार ने सानू दिता नहीं।